टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फ्यूचर टेंस ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्यूचर सिंपल टेंस लेट्स स्टार्ट विदर्मेटिव इन अफर्मेटिव द आईडी इज गा गे गी इट मीन्स जिस सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी आता है वहाँ पे आपको रूल लगाना होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्म की फर्स्ट वर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे ही नेगेटिव में आपकी बस गा गे गी से पहले अगर आपको नहीं दिखाता है पूरे सेंटेंस में नहीं प्लस गागेगी तो आपको रूल लगाना होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पूरा रूल सेम रहता है बस आपका नॉट ऐड हो जाता है विल के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी हम क्वेश्चन टाइप के सेंटेंसेज होते हैं अगर आपको उस सेंटेंस में क्या प्लस गागेगी अगर आपको विजिबल है तो आप क्या लगाते हो विल पहले आ जाता है और विल के बाद सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एंड लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क्स जरूर देखना है नेक्स्ट अगर इंटारो नेगेटिव है Inter जिसे हम इंटारोगेटिव और नेगेटिव बोलते हैं तो उसकी आइडिया यानी कि किसी सेंटेंस के अंदर आपको क्या प्लस नहीं प्लस गा गे गी शो हो, हो रहा है तो आपको रूल लगाना होता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्क फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट लेट स्टार्ट विद द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेज में जिसमें सिर्फ रहा होगा रहे होंगे रही होगी होता है तो आपको रूल लगाना होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी

प्लस प्लस बी, प्लस की प्लस Next है मतलब क्या प्लस रहा होगा रहे होंगे रही होगी इन तीनों में से कोई एक और क्या अगर आपको ये किसी sentence में दिखाई देता है तो आपको रूल लगाना होता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आई एनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क उसके बाद लास्ट इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इसमें क्या आपको विजिबल होगा क्या प्लस नहीं ऊपर वाले की तरह बिल्कुल सेम है बस इसमें नहीं ऐड हो गया रहा होगा रहे होंगे रही होगी तो आपको रूल लगाना होता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट क्वेश्चन अब हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल्स एंड आइडेंटिफिकेशन सो अफोमेटिव में फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो आईडी होती है आईडी यानी कि हिंदी के सेंटेंसेस हम देखते हैं चुका होगा चुके होंगे चुकी होगी या फिर या होगा ए हो ई होगी अगर हमें ये वर्ड्स दिखाई देते हैं तो हमें रूल लगाना होता है क्या करता है अगर आपको हिंदी के नहीं प्लस चुका होगा चुके हो गए या फिर या होगा ए होगी ई होगी में से कोई एक चीज दिखाई दे रही है तो आपको रूल लगाना होता है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट है थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपका सेम रहता है बस हम क्या एड करते हैं यहाँ पे नॉट नेक्स्ट है इंटारोगेटिव में यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस में अगर हिंदी के सेंटेंस में क्या प्लस चुका होगा चुके होगे चुकी होगी या होगा ए होगी ई होगी अगर क्या के साथ आपको इनमें से कोई एक वर्ड दिखाई दे रहा है तो आपको रूल लगाना होता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन लास्ट क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट इंटारोगेटिव एंड नेगेटिव अगर आपको हिंदी के सेंटेंस में क्या प्लस नहीं प्लस चुका होगा चुके होगे चुकी होगी या होगा ए, होगे, ए होगी ई होगी क्या प्लस नई के साथ अगर इनमें से कोई एक वर्ड आपको शो हो रहा है विजिबल हो रहा है तो आपको रूल लगाना होता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस इसमें क्या होता है आपका अफर्मेटिव में जो आइडिया होती है टाइम प्लस से प्लस रहा होगा रहे होंगे रही होगी या होगा ए होगी ई होगी अगर आपको इन तीनों में से इन सब में से कोई एक वर्ड दिखाई देता है तो आपको रूल लगाना होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस प्लस फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट देन या four, इन दोनों में से कोई एक आपको चूज करना होता है देन टाइम सपोज कब लगाना होता है जब आपका एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम हो और फोर लगाते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम जैसे फॉर टू आवर्स और सीन्स के लिए सीन्स नाइनटीन नाइनटी नाइन नेगेटिव में क्या होता है आई डी अगर आपको हिंदी के सेंटेंस में टाइम प्लस से जैसे दो नाइनटीन नाइन्टी से या फिर दो बजे से तीन बजे से तीन घंटे से ऐसे प्लस नहीं प्लस रहा होगा अब नेगेटिव में हम क्या करते हैं हम हिंदी के सेंटेंस में अगर हमें दिखाई देता है टाइम प्लस से जैसे 1990 से जैसे दो घंटे से प्लस नहीं प्लस रहा होगा रहे होंगे रही होगी या होगा ए होगी ई होगी अगर इन वर्ड में से हमें कोई एक दिखाई देता है और प्लस इनकी ये भी दिखाई देते हैं तो हमें रूल लगाना होता है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सीज फॉर टाइम आपका बिल्कुल सेम रहता है बस आपको क्या ऐड करना होता है नॉट जिसमें हम क्वेश्चन रही होगी रही या होगा ए होंगे ई होगी उनमें से कोई एक अगर आपको ये विजिबल होते हैं तो आपको रूल लगाना होता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस टाइम पूरा सेम रहता है बस आपका विल पहले आ जाता है सब्जेक्ट से और बाकी सब आपका सब्जेक्ट के बाद शिफ्ट हो जाता है देन इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव आईडी क्या होती है इसमें क्या टाइम प्लस से नहीं प्लस रहा होगा रहे होंगे रही होगी सेम नेक्स्ट इसके रूल क्या लगाना होता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सीज फॉर है तो बिल्कुल सेम रहता है ऊपर वाले की तरह बस सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट ऐड हो जाता है पूरे सेंटेंस में Thanks for watching. Don't forget to subscribe, Grammits. We made those who made Nation.